हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स के कंप्लीट फुल कोर्स में। आज की इस वीडियोज़ में हम स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 3 को कवर करेंगे। यह वीडियोस एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको थोड़ा बता दें कि कोस्ट गार्ड में जो भी स्टूडेंट जीडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल मैथ्स है। क्या है? टेक्निकल मैथ है, टेक मैथमेटिक्स, ठीक है, टेक मैथ है। तो ये हमारा जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ ही साथ नेवी, डबल एसआर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि नेवी डबल एसआर में ही टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, और एयरफोर्स में हमारा जो एक्स ग्रुप होगा उसके लिए यह इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इससे पहले स्टेट लाइन के 2 लेक्चर हमने कवर कर दिया है, इस वीडियोज़ में हम लेक्चर 3 को कवर करने वाले हैं। 2 और लेक्चर होंगे, 2 या फिर 3 और लेक्चर होंगे, हमारा स्टेट लाइन खत्म हो जाएगा, देन फिर हम सर्कल की ओर बढ़ेंगे। हमारे जितने भी वीडियोज़ आपको इस सीरीज में चल रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज में चल रहे हैं, उसके आपको प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले एक चैप्टर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो 2D का स्टार्टिंग होता है जिसमें पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो हमारा कवर हो चुका है। कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जीडी का जो मैथमेटिक्स है उसके कंप्लीट कोर्स को डाल दिए गए हैं, उसे जाकर देखिए, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो आपको डेफिनेट तौर पे आपको एडमिशन में वो हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू है, तो आप जाकर देखिए और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आइए इस वीडियोस की बढ़ते हैं। ये सारे सीरीज आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट समय में और सटीक जानकारी के साथ बताई जाएगी, और वही सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के 7 पॉइंट तक कवर कर दिए थे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 8 में हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 8 में हम 1-2 पॉइंट और साथ ही साथ 1-2-3, फिर क्या होगा 4 पॉइंट और देन फिर 5 पॉइंट, इन सभी को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे इस वीडियोज़ को, ताकि हमारा थोड़ा ज़्यादा हमें बताना है तो समय क्या कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ले सकता है, तो थोड़ा फास्ट में बोलेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगेगा तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में जाकर स्लो करके देख सकते हैं। स्लो करके आप कैसे देखेंगे, तो आप ऊपर 3 डॉट दिया गया होगा, वहाँ पे नॉर्मल मोड में जाके इसका आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जल्दी कवर करते हैं 8th नंबर पॉइंट को। यहाँ पे जनरल फॉर्म अगर हमें दिया गया है ax + by + c = 0 फॉर दिस जनरल फॉर्म, यानी किसी भी लाइन का यदि हमें जनरल फॉर्म दिया गया हो, वो जनरल फॉर्म क्या है हमारा ax + by + c = 0 हो, तो इस जनरल फॉर्म से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्म से हम स्लोप को फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। इस जनरल फॉर्म से स्लोप को कैसे फाइंड करते हैं, तो हम उसको फाइंड करते हैं, देखिएगा स्लोप को हम m लिखते हैं, और उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का जो हमारा x का जो कोफिशियंट होता है, क्या करते हैं हम माइनस टाइम्स ऑफ क्या लिखते हैं, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन क्या करते हैं, कोफिशियंट ऑफ जो y होता है उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हम आपको इसके लिए बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली इसको माइनस ए अपॉन बी रख लीजिएगा ना, तो आपको बड़ा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, जब आपको कभी कभी होता है घुमा देता है क्वेश्चन को, जैसे ऐसे जनरल फॉर्म दे देगा, ऐसे करके जनरल फॉर्म दे देगा, तो आप वहाँ पे तो फिर से वही काम कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे ए अपॉन बी ही लिख दीजिएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको याद रखना क्या होता है, आपको याद रखना ये होता है कि आपको जनरल फॉर्म दिया जाता है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स करते हैं अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, और कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है, बी है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। और साथ ही साथ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों, यदि बी हमारा 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है, इस कारण से। अब देखिए इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि दूसरे पॉइंट में इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस बताइए और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बताइए, हमने आपको बताया था इसे प्रीवियस वीडियोज में, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो लाइन जो होता है हमारा, कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस को किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर काटता हो, तो वो डिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है। यदि वही लाइन वाई एक्सिस पर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस काटता हो, तो वो जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस पर, वो हमारा क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, बस इतना ही होता है। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से यदि हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं आपको फॉर क्या होता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बताइए, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए बात करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे हम वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये सी हमारा इधर चला जाएगा, तो माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। और यही क्या है हमें पूछा जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम फॉर वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये मार्कर अच्छा काम करता था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गया है, फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या रखते हैं याद, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं एक्स इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर देते हैं, तो एक्स क्या हमारा यहाँ पे इस ए में आपका एक्स ए इंटू एक्स जो है हमारा वहाँ पे
क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो प्लस में b इंटू वाई प्लस में c इक्वल टू क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए इक्वेशन वो हमें मिल जाएगा, यानी हमारा y इंटरसेप्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर थ्री की ओर। पॉइंट नंबर थ्री में लिखा जा रहा है p इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू ये और साइन अल्फा इक्वल टू ये। ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि हमारा जो एक्स एक्सिस होगा उसको समझिएगा, जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, और ये क्या हमारा, सॉरी गलती बोल दी हम, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। इतना सबको पता रहता है, इसमें गलती भी बोल देंगे तब भी आप सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है ना, तो हाँ ये लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये लाइन जो है हमारा, इसका लाइन का मान लेते हैं वैल्यू ए बी है कुछ भी। चलिए थोड़ा देख लें, मानते हैं क्या कि ए बी तो है, साथ ही साथ यहाँ पे मानते हैं कि इस पी ओरिजिन से, यानी इस ओरिजिन से हमारा ये जो ओरिजिन होता है ना कोऑर्डिनेट का, 0.0 पे ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से इस लाइन पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इस परपेंडिकुलर का पॉइंट क्या मानते हैं हम, इस परपेंडिकुलर का हम वैल्यू को पी मानते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम क्या मानते हैं, पी मानते हैं। चलिए मार्कर चेंज करके बनाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको क्या माना हमने, पी माना। तो इसी पी का डिस्टेंस आपको दिया गया है रूट अंडर, सॉरी मॉडुलस ऑफ सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे होता है, जैसे कि ये जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन हमें पता है, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होता है ना इसका जनरल फॉर्म, तो ये हमें पता है। तो यहाँ से हम पी को कैसे फाइंड करते हैं, करेंगे तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है 0.0, इस कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को जानेंगे तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी अपॉन क्या करते हैं, रूट अंडर जो हमारा एक्स का कोफिशियंट होता है ए है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई का कोफिशियंट करके क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो वाई का कोफिशियंट बी है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा पी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा सी अपॉन, और सी को मॉडुलस में लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो मॉडुलस ऑफ सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकल जाता है। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यही आपको यहाँ पे दिया गया है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके इसको हम फाइंड करते हैं, तो बस दूसरा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारा सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसी प्रकार से ये अल्फा क्या है, ये अल्फा जो है हमारा वो ई अल्फा है। ठीक है, ये हमारा अल्फा है, इस अल्फा को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, वो आंसर क्या होगा इसका, सिंपल याद रखिएगा, ये कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से ये आपका साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक सेकंड थोड़ा सा आप समझिएगा, ये जो अल्फा जो हमने आपको बताया है, ये एक्चुअल में ये अल्फा नहीं होना चाहिए, ये अल्फा हमारा यह वाला अल्फा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि हमारा ये अल्फा होगा तो इस प्रकार से हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करके आपको बताते हैं क्या कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कट करेगा, ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो ये कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे कट करेगा उसका वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमने निकाला है जो कि माइनस सी बाई ए है, और वो क्या आपका माइनस बी बाई ए है, तो ये माइनस, ये आपका माइनस सी बाई क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारा, वाई इंटरसेप्ट है हमारा माइनस सी बाई बी, और ये क्या है माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई बी और माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी बाई ए, और इसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये क्या हमारा बी है, तो इस ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, तो इस ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आपका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर सी अपॉन ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप जैसे ही साइन अल्फा को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस सी अपॉन बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए बी, जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे, ये सी अपॉन नीचे चला जाएगा क्या होगा आप बताइए, ये सी अपॉन नीचे चल के हो जाएगा आपका बी और ये आपका सी नीचे जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी से बी कर जाएगा, सी से आपका सी कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, कुछ गलती हो, देखिए यहाँ पे गलती इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये जो अल्फा है ये करेक्ट तरीके से बताया ही नहीं गया है कि आखिर ये अल्फा है क्या। ठीक है, तो इस कारण से मिस्टेक यहाँ पे हो जा रहा है कि अल्फा ये है क्या। अच्छा चलिए, अल्फा को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, अल्फा को थोड़ी देर भूल जाते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको ये अल्फा होगा उसके बारे में बताएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए समझते हैं, यदि हम इसको अल्फा मानते हैं तो शायद ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये शायद हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इस अल्फा को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस अल्फा को थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, नेक्स्ट जब इस अल्फा के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है,
जब किसी के बारे में जानते नहीं है तो उसको रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने इसको ट्राई करके देखा आखिर ये है क्या, तो कुछ एक्चुअल में ठीक से मिल नहीं पा रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स वन वाई वन ऑन द लाइन, ठीक है, वही बात है जो हमने आपको यहाँ से बताया है, किसी ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो ओरिजिन का जो पॉइंट है, जैसे हमारा जीरो जीरो पॉइंट है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपॉन क्या करेंगे, रूट अंडर करके एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि हमारा एक लाइन है ए बी, इस पर हम क्या करेंगे एक्स वन कॉमा वाई से हमारा क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हमें दिया गया है, जनरल फॉर्म में दिया गया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टार्टिंग में हमें दे दिया गया था। तो यहाँ से पी वन का वैल्यू मान लेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे डिस्टेंस डी जो है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट लग जाएगा यानी मॉडुलस लग जाएगा, और जो पॉइंट होगा उसको सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, जैसे पॉइंट हमारा एक्स वन वाई वन है तो ए इंटू एक्स वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स वन हो जाएगा प्लस में b इंटू वाई वन हो जाएगा, फिर प्लस में c हो जाएगा, ये हम यहाँ पे डालना है, इस एक्स वन वाई वन पॉइंट को यहाँ पे डालना है, फिर अपॉन क्या करेंगे रूट अंडर कर देंगे और x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर, या फिर कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था, ये हमें यहाँ पे हमने निकाल लिया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं, सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, और उसको उसी प्रोसेस से आपको चलना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट के बारे में। यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ में दो पॉइंट दिया गया है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, ठीक है, और कहा जा रहा है कि पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन इफ एक्सप्रेशन इतना एंड इतना हैव द सेम साइन एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन हैव अपोजिट साइन, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चंस, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जामिनेशन में किसी न किसी आपकी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ दिया जाता है, ठीक है। इस कंसेप्ट में हमें बताया जाता है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या लाइन है, ये वाला लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पी वन पॉइंट है और क्या है हमारा पी वन पॉइंट का वैल्यू एक्स वन कॉमा वाई वन है, और पी टू पॉइंट है जिसका वैल्यू हमें दिया गया है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ये जो दोनों पॉइंट होंगे, यदि ये दोनों पॉइंट जो होंगे ये हमारे इस लाइन के यदि एक साइड होंगे, तो हमारा कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ये समझिए कि ये दोनों पॉइंट को हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों पॉइंट जो है वो इस लाइन के इस तरफ है या फिर इस तरफ है, यानी हो सकता है ये भी सिचुएशन कि ये दोनों पॉइंट है वो पी वन कॉमा पी टू एक तरफ हो, या फिर ये दोनों पॉइंट पी वन कॉमा पी टू इस तरफ हो, कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट किसी एक तरफ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि एक हमारा पी वन किसी एक तरफ हो और दूसरा पी वन क्या हो पी टू किसी एक तरफ हो, जैसे पी वन एक तरफ हो और पी टू एक तरफ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे इस सिचुएशन में फाइंड करेंगे कि हमारा P1 P2 जो है वो लाइन के एक ही साइड लाई कर रहा है। अब देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे इस लाइन के लिए समझाने के लिए आपको क्या करते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं ताकि आप भटकिएगा नहीं, नहीं सोचिएगा कि ये तो दोनों एक ही साइड लिख दिए हैं आप, ठीक है, नहीं, इसको समझने के लिए आप हमने एक प्लेन बना दिया और इस प्लेन के अंदर आपको जब समझाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हमारा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि ये जो पॉइंट एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट पी वन और पी टू हो, इन दोनों पॉइंट को यदि हम इसमें डालें, इन दोनों पॉइंट को यदि हम इसमें डालें और उस दोनों पॉइंट को डालने के बाद, जैसे कि हम इस पी वन और पी टू को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पी वन पी टू को यदि हम इसमें डालेंगे तो क्या आएगा हमारा, जैसे इस पी वन पी टू को हम इसमें डालेंगे तो पी वन को डालेंगे तो क्या होगा ए इंटू एक्स वन, क्या होगा ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन, क्या हो जाएगा प्लस में बी इंटू वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट को डालेंगे ए इंटू एक्स टू प्लस बी इंटू वाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही आएगा ना। यदि ये दोनों पॉइंट का साइन, यदि ये दोनों पॉइंट के साइन क्या हो, यदि ये दोनों जो हमारे पास जो वैल्यू आएंगे, एक्चुअल में यहाँ पे जीरो हमें नहीं लिखना चाहिए, सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पे डालकर पुट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो साइन आएगा, यदि दोनों का साइन क्या हो आपका, क्या हो सेम हो, यदि P1 पॉइंट इतना एंड इतना लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एक्सप्रेशन इतना एंड इतना है द सेम साइन, यदि इन दोनों का साइन क्या हो आपका, साइन क्या हो सेम हो, सेम साइन, यदि दोनों का साइन पॉजिटिव हो या फिर दोनों का साइन नेगेटिव हो, कोई भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इसका मान लो पॉजिटिव आ गया, इसका भी मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, हो सकता है ऐसा कि इसका भी मान लीजिए नेगेटिव आ गया, इसका भी नेगेटिव आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में जो पॉइंट P1 एंड P2 होगा वो क्या करेगा, लाइज ऑन द सेम साइड, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, ठीक है, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड में लाई करेगा। लेकिन यदि किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि यदि ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी
और दूसरा a इंटू एक्स टू प्लस बी इंटू वाई टू प्लस सी, इनका साइन क्या हो, क्या हो, अपोजिट हो, साइन क्या हो, अपोजिट, इनका साइन क्या हो यदि आपका अपोजिट हो। जैसे कि ये जो हमने पॉइंट x1 और y1 है इसको हमने क्या किया, इस लाइन में डाला, इन दोनों का साइन क्या हमारा अपोजिट आ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में बताइए क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारा कह सकते हैं कि पॉइंट पी वन और पी टू जो होगा, यानी पॉइंट पी वन और पी टू जो होगा वो क्या होगा आपका अपोजिट साइड में लाई करेगा, यानी पी वन एंड पी टू लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन, लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेगा, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, जब हमारा क्या होगा P1, और कहने का मतलब जब ये दोनों का जो साइन होगा वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों का साइन निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब जो दोनों पॉइंट जो उसमें लाइन में डालेंगे और दोनों पॉइंट P1 और P2 से जो हमारा लाइन बनेगा, यानी ये जो फॉर्म होगा इन दोनों का साइन सेम होगा, तो हमारा P1 और P2 इधर साइड लाई करेगा, यानी एक ही साइड लाई करेगा, चाहे वो इस साइड लाई करे या फिर चाहे वो इस साइड लाई करे, ठीक है। लेकिन जब दोनों के साइन क्या होंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा P1 इधर लाई करेगा, सॉरी हमारा P1 क्या होगा इधर लाई करेगा, P2 इधर लाई करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि P1 इधर लाई करे P2 इधर लाई करे, यानी कहने का मतलब वो दोनों जो होंगे वो लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनके हम कंसेप्ट को फाइंड करते हैं, ये तरीका होता है इसको समझने का, समझ रहे हैं आपको, ये इतना तरीका सो हमने आपको तरीका बताया है, इतना समझने के बाद शायद आपको कभी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट जब भी पूछे जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई को नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार हम यहाँ पर सर्किल कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं आपको ब्रैकेट में घेर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको याद रहे इनके साइन क्या होने चाहिए आपके, इनके साइन बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम हो सकते हैं, सेम साइन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सेम साइन होंगे, और क्या होगा आपके अपोजिट साइन होंगे, सेम साइन होंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, ये सभी आपको पता चल चुका है, ठीक है। सेम साइन होंगे तो क्या होगा बताइए, और अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब शायद आपको ये परेशानी नहीं होगी, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट हो आपको इस सब्जेक्ट में जो अभी चैप्टर चल रहा है उसके बारे में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, यदि कोई आपको अलग प्रकार का भी डाउट हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।